बिल्कुल भाई साहब, 500-600 लोगों का खाना आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या करें, फेंकने तो ठीक है, कोई खा ले। सही बात है, लेकिन चेहरे पे कोई गम नहीं है, फिर भी स्माइल है। ये तो आपके एम्प्लॉय जो है ये तो पूरे मन मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज लगी मेरे को। और दिमाग खराब हो जाता है तो ज्यादा टेंशन लेने से। नहीं सही बात है, कभी कभी हो जाता है नुकसान भी, इसी को बिजनेस बोलते हैं। नहीं सही बात, मैं देख रहा हूँ। नहीं मतलब आपके सामने इतना नुकसान हो गया है, आपके एम्प्लॉय हंस रहे हैं और आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। गरीबों को दे रहा हूँ, बढ़िया बात रहा हूँ। देखिए देखो भाई, बाहर आ गए हैं करनाल में। 3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है, मौसम तो बढ़िया हो गया जबरदस्त, लेकिन पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो गया। सेक्टर 6 में गोडे गोडे तक ऊपर पानी हो गया, टाकड़ी तक का काफी पानी हो गया है। देखो भाई मौसम देखो, बड़ा नजारा वाला काम है। आप इस टाइम साईं मंदिर की तरफ हाँ करनाल में, यह वही खाना लेने लगे हैं। 1 मिनट रुकियो भाई, यहाँ मैंने वही खाना लग गए हैं। और भाई साहब बढ़िया है। अच्छा भाई, सुबह हूँ भाई मैं दमदार किसान की तरफ चैनल की तरफ से, यूट्यूब चैनल अपना। ये तो आप वही खाना वाले नहीं हो, सेक्टर 12 में लगाए करो तुमसे। हाँ, सारे सेक्टर में लगा अपने। सारे सेक्टर में लगा है 12, 13, 14, 7। अच्छा 9। आज तो फिर गलत डायरेक्शन में आ रहे हो, क्या बात हो रही है? आज उरो को करा रहे हो? आज बारिश आ गई, बारिश में फिर खाना खुना लग नहीं गया। अच्छा बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा और उस वजह से कस्टमर है नहीं, सारे सेक्टर में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल इतना बिल्कुल तक का पानी है। अच्छा गाड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आए वापस, अपने लोकेशन पहुँच ही नहीं पा रही गाड़ी। अच्छा तो उरा खड़े कर रहे हो बाप है? और उरा तो नहीं बिकता आपका सामान? फिर यहाँ तो लेते हैं लोग, उरा तो जो झूठ पट्टी वाले हैं शायद। फ्री में सारा सामान और क्या करें से तो आपका है। तो मेरे ख्याल तो करनाल में सबसे ज्यादा महंगा सामान है, और दिखा दूं भाई आपने पहले ये वही खाना वाले कौन से हैं, लोगों तो हमने समझ में आ जाओगा। करनाल में सबसे ज्यादा महंगा खाना इनका होता है वही खाना, फूड लाइक होम, राजमा चावल, कढ़ी चावल और पनीर की, पनीर है तो रोटी सब्जी, वही खाना वाले। ये टेम्पू है, एक इनकी गाड़ी है। अच्छा मतलब ये टेम्पू है, गाड़ी होगी आपकी, आपकी तो स्टॉल लगा है नहीं? 3 जगह तो 4 जगह है, गाड़ी खड़ी होती है, बाकी 3 जगह स्टॉल है। अच्छा अच्छा, फिर भी सारा सामान फ्री में बांट दोगे? इसमें रखा है सारा सामान गाड़ी में। हाँ गाड़ी में रखा है कई, इसमें देखो भाई दिखाओगे। अच्छा बाकी 2 जगह का अपनी गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ी में है 2 जगह का। अच्छा यह टीम आपकी है? ये टीम है। अच्छा ड्रेस कोड है पूरा, तकड़ा सिस्टम है फिर तो, हैं पूरा जोश है लड़के में, लड़के तो पूरे राजी हो रहे हैं जब बारिश हो पास। क्या बात है, क्या कर रहे हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसे भी करना। अच्छा बंटने में ये भी खुश हो रहे हैं भाई, खुश हो रहे हो भाई? और बिल्कुल कोई मतलब गम नहीं है कि भाई मालिकों को नुकसान हो गया कोई? नहीं, गम क्यों नहीं है, गम है। चलो ठीक है भाई, चलो तेरे पर स्माइल लग रही है, बंदे के मन पर लग नहीं रहा कि भाई गम है। चलो भाई चलो भाई, आगे जाके दिखाएंगे आपके लिए। अब अपने ब्लॉग टाइम टू टाइम आते रहेंगे अच्छे अच्छे, अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाईयो। लोग तो काफी हैं भाई, काफी दुखी झोपड़ी हैं, देखो काफी हैं। पकड़ ला, ये देखो भाई ओपन कर लिया इन्होंने। काफी तकड़ा सिस्टम है, क्या हो गया? पूरे खुश हो रहे हैं, कोई गम नहीं लग रहा लड़के में कि भाई आज नुकसान हो गया। चलो एक बार रेडी कर लेंगे जल्दी जल्दी, जब तक आपने इनका ड्रेस कोड दिखाते हैं वो खाना। भाग गया भाई ना दिखावे, ये देखो भाई जब तक ये आपने दिखावा, कुकर के सांग है, काफी लंबे जगह तक फैली हुई हैं भाई। यहाँ ने एक स्पेशल भी दे दिया है अपने, छतरी पकड़ने वाला छतरी पकड़ खड़ा है ऊपर अपने, बहुत बढ़िया भाई वो खाने वाले हो।
ओए खाना फूड लाइक होम। अभी से तो भाई कुछ ही लोग आए हैं, देखो आप देखते हैं आराम आराम से आ रहे हैं लोग, देख के आ गए हैं लोग, काफी आ गए हैं। देखो दो दो जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस तरफ गाड़ी होगी, इस तरफ ही अपना इनका ट्रंक फूड ट्रंक हो गया है। अच्छी सोच है, खाने को वेस्ट करने से अच्छा यार डिस्ट्रीब्यूट करना, ये अच्छी बात है। बाकी और सबसे अच्छी बात है अच्छी लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये, जिन लोगों को बड़ी काम आएगी चीज, ये रियल है, देख सकते हैं आप, फ्री में है, कोई पैसा नहीं है, आप देख सकते हैं फ्री में है। आराम आराम से देखते रहो कितने लोग और आ रहे हैं, पीछे पीछे पता लग रहा लोगों को, आराम आराम से आ रहे हैं। ले भाई इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, ओपन कर लिया है वैन को अच्छे तरीके से, ये देखिए राजमा चावल है, कड़ी चावल रहता है, स्पेशल थाली है, कोई खाना फूड लाइक होम करनाल, ये इनका मोबाइल नंबर है। वो डिलीवरी भी है, मैंने डिलीवरी नहीं मंगाई लेकिन इनके स्टोर पर जाकर काफ़ी टाइम खाया, बड़ा ज़बरदस्त खाना है, राजमा चावल कड़ी चावल मिक्स करा के खाता हूँ मैं, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, और थाली यहीं पर मिलती है। चलो एक बार दिखाते हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं, एक बार आपको ये भी शो कर देते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टाइम। दाल और चावल, अभी चावल और क्या है ये साइड, राजमा राजमा ये इनकी हाफ प्लेट 40 की और फुल प्लेट 60 की, आज फ्री में हो गई है, देखिए मैं तो खा के जाऊंगा आज भी, फिर भी अच्छी सोच है भाई। करनाल में जब भी जाएं आप यहाँ खाना जरूर खाएं, डेली खा सकते हैं आप यहाँ खाना डेली, क्योंकि इनके खाने में ना आपको कोई ज़्यादा मसाला ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। करनाल के 100 में से 70% लोग एक बार इनका खाना खा चुके हैं, हर कोई जानता है खाने के बारे में करनाल में। लो भाई दूसरा कंटेनर डाल लिया उन्होंने राजमा का, ओए होए होए राजमा आए हाय, आज फ्री में बंट रहा राजमा, देखिए जिस जिसको पसंद है, लाइन लगा लिया बड़ी अच्छी है, ओए होए होए। एक और पतीला आ गया है, और राजमा आ गया है, ओए 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 ओए, काफी लोगों को खाना लगता है, पीछा लग रहा लगता है, हर बंदे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा खाना, तो काफी है हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओ भाई ये भी आ गए, इनके लिए भी रखना भाई। तो भाई बात करते हैं इनसे, वो खाने के जो ओनर हैं, भाई साहब एक बार थोड़ी सी दो तीन क्वेश्चन है वो बता दो, पूछो पूछो क्या पूछना बताओ। एक मिनट जो अपना कैमरे की सेटिंग कर लूँ मैं, आपका ये करनाल में कितने साल से हुए खाना? 2 साल हो गए करनाल में। 2 साल हो गए पूरे? ओ बल्ले बल्ले, नाम काफी कमा लिया 2 साल में ही। अच्छा चलो अच्छी बात है, क्या क्या अपना देखो, राजमा चावल कड़ी चावल हो गया और स्पेशल थाली होगी, थाली में आपका पनीर बड़ा फेमस है, पालक पनीर और मटर पनीर दो बनाते हैं हर डेली, एक दिन पालक पनीर होता है एक दिन मटर पनीर होता है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, पालक पनीर और मटर पनीर जी जी। कौन सी लोकेशन पे लगते हैं आपके ये? सेक्टर 12 में है। ठीक है, हॉस्पिटल संडे से लगते हैं जहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ, हॉस्पिटल के पास। ठीक ठीक ठीक, राम लगता है कालड़ा स्वीट्स के पास, कालड़ा स्वीट्स के पास सेक्टर 13 में। हाँ ठीक है, सेक्टर 7 में लगता है, मेन मार्केट में, सेक्टर 13 में मेन मार्केट में, सेक्टर 7 में, सेक्टर 7 से मेन मार्केट। अच्छा सेक्टर 7 में लगता है आपका मेन मार्केट में। ठीक है ठीक है, सेक्टर 9 में लगता है आपका, टर्निंग पॉइंट है ना उसके पास। अच्छा टर्निंग पॉइंट के पास, ठीक है बड़ी जबरदस्त बात है भाई। तो ये बताइए, चलो चलते चलते बात करते हैं, आइए आपका आइडिया कैसा है करनाल में, जैसे मैं देख रहा हूँ ड्रेस कोड है हर बंदे का, जैसे खाना लिखा हुआ है शर्ट पे, सारे सारे ड्रेस पिंक शर्ट पे हैं, पूरी दूर से नजर में आ जाता है कि कोई खाना के एम्प्लॉय है, मेरे को दूर से पता लग गया था ये आपने, मतलब देखो स्ट्रीट फूड आपका
स्ट्रीट फूड के मामले मेरे ख्याल से करनाल में तो किसी के पास ड्रेस कोड नहीं होगा अभी तो। अच्छा हाँ, ड्रेस बढ़िया साफ सुथरे रखते हैं, जो बोल देते हैं ड्रेस गंदी है साफ बढ़िया बोल देते हैं। हाँ, और दो तीन तीन ड्रेस दे रखी है सभी को। अच्छा, हर रोज एक ड्रेस डालते हैं, उसके बाद चेंज हो जाते हैं। खाने पीने मामले में सबसे ज्यादा सफाई देखते हैं लोग पहले। बिल्कुल सही बात आपकी, पहले बाद में खाना खाते हैं, पहले सफाई देखते हैं। हमारा मेन मोटिव है सफाई रखना, साफ सफाई होनी चाहिए, सफाई रखते ही हम। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे काम आपका अभी कितने लोगों का खाना था ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? 500 का खाना था मेरे को तो बिल्कुल, और भी ज्यादा काफी लंबी भीड़ थी और लंबे टाइम तक चली। बिल्कुल भाई साहब, 500-600 लोगों का खाना आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या करें, फेंकने से तो ठीक है, कोई खा ले। सही बात है, लेकिन चेहरे पे कोई गम नहीं है, फिर भी स्माइल है। ये तो आपके एम्प्लॉय जो है ये तो पूरे मन मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज लगी मेरे को। और क्या दुखी हो गया, क्या फायदा है, दिमाग खराब हो जाता है तो ज्यादा टेंशन लेने से। नहीं सही बात है, कभी कभी हो जाता है नुकसान भी, इसी को बिजनेस बोलते हैं। नहीं सही बात, मैं देख रहा हूँ। नहीं मतलब आपके सामने इतना नुकसान हो गया है, आपके एम्प्लॉय हंस रहे हैं और आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। गरीबों को दे रहा हूँ, बढ़िया बात रहा हूँ। देखिए, हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बड़ी अच्छी बात है। खाना हो गया पूरा खत्म, अब ये अपना क्लोज कर रहे हैं वो खाना वाले। बड़ा अच्छा लगा यार, आज घर से बाहर निकले और बाहर इनकी खाना की ड्रेस कोड से मेरे को इनको आइडिया लगा कि ये खाना वाले हैं। अच्छा लगा इनसे मिलकर, और ये आप लोगों को दिखाया कि भाई कैसे इन लोगों ने सारा का सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 500-600 लोगों का खाना यार डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ी बात है, जिसमें इनका खाना भी आप देखोगे ना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, रायता, स्पेशल थाली जिसमें ये होते हैं, क्या नाम है, थाली में होता पालक पनीर और मटर पनीर। लो भाई, लो भाई, वैन चल पड़ी इनकी, गाड़ी भी जा चुकी है, लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा काम किया यार इन्होंने।